स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा वाहिदाब किसे कहते हैं, वे वाहिदाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी ली। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वाहिदाब पेटियां। ग्लोब पर वाहिदाब के वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। ग्लोब पर वायुदाब पेटियों का एक प्रकार से असमान वितरण पाया जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, कर्क व मकर रेखाओं के पास उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, 60 डिग्री अक्षांशों के पास उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी तथा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो इस प्रकार ग्लोब पर वायुदाब पेटियों का असमान वितरण पाया जाता है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब पेटियों को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आती है ताप जन्य वायुदाब पेटी। फर्स्ट आती है तापजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य वायुदाब पेटी में आती है आपकी पहली है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। सेकंड आती है तापजन्य वायुदाब पेटी में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। सेकंड आती है आपकी गतिजन्य वायुदाब पेटी। गतिजन्य वायुदाब पेटी में भी दो पेटियां हैं, जिसमें फर्स्ट है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सेकंड है उपध्रुवीय वायुदाब पेटी। तो इस प्रकार वायुदाब पेटियों को उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर दो भाग हुए, फर्स्ट है तापजन्य वायुदाब पेटी, सेकंड है गतिजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य वायुदाब पेटियों का संबंध तापमान से है, जिसमें फर्स्ट है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, सेकंड है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, सेकंड है गतिजन्य वायुदाब पेटी। गतिजन्य वायुदाब पेटियों का संबंध है पृथ्वी की घूर्णन गति से, जिसमें फर्स्ट है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सेकंड है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। इस प्रकार सामान्यतः वायुदाब पेटियों को चार भागों में विभाजित किया गया है। में फर्स्ट आती है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। सबसे पहले आती है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी का जो विस्तार है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। या हम यूं कहें कि भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहां वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है, इसलिए इस पेटी में वायुदाब न्यून पाया जाता है।
इसके अलावा यहाँ वायु में अधिकतम नमी होती है, इस कारण भी न्यून वायु दाब पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ वायु का अपसरण होता है, जिस कारण भी यहाँ न्यून वायु दाब पाया जाता है। इसके अलावा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में शांत वातावरण पाया जाता है, इसलिए इस पेटी को शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आती है उपोष्ण, उच्च वायुदाब पेटी। सेकंड आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, या हम यूं कहें कि 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्ष में तापमान भी अधिक पाया जाता है, वायुदाब भी अधिक पाया जाता है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का संबंध तापमान से न होकर के पृथ्वी की घूर्णन गति से है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहां वायु का अवतलन होता है। वायु के अवतलन के कारण वायु के आयतन में कमी होती है, जिस कारण यहां वायुदाब उच्च पाया जाता है, और इस पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। इस पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, और इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में विश्व के अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। थर्ड आती है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। थर्ड आती है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, जिसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, या हम यूं कहें कि 60 डिग्री उत्तर से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिण से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी का विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्ष भर न्यून तापमान पाया जाता है, वायुदाब भी न्यून पाया जाता है। तो इस पेटी का संबंध न्यून तापमान से लय होकर के पृथ्वी की घूर्णन गति से है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहां वायु का अपसरण होता है, वायु के अपसरण के कारण यहां वायुदाब न्यून पाया जाता है। चौथी आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। चौथी आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों ध्रुवों के चारों ओर पाया जाता है। इस पेटी का संबंध तापमान से है, दोनों ध्रुवों पर न्यून तापमान के कारण उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो इस प्रकार ग्लोब पर मुख्यतः चार वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, जिसका संबंध है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण न्यून वायुदाब पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ अधिकतम नमी भी न्यून वायुदाब के लिए जिम्मेदार है, यहाँ शांत वातावरण पाया जाता है, इसलिए इस पेटी को शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इस पेटी का संबंध तापमान से न होकर के पृथ्वी की घूर्णन गति से है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ वायु का अवतलन होता है, जिस कारण हवाई का आयतन कम होने से उच्च वायुदाब पाया जाता है, और इस पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। थर्ड आती है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। यहाँ न्यून तापमान और न्यून वायुदाब पाया जाता है। इस पेटी का संबंध भी तापमान से नहीं होकर के पृथ्वी की घूर्णन गति से है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ वायु का अपसरण होता है, जिस कारण यहाँ न्यून वायुदाब पाया जाता है। चौथी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इस पेटी का संबंध है तापमान से,
दोनों ध्रुवों पर न्यून तापमान के कारण उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने वायुदाब पेटियों का अध्ययन किया, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, सेकेंड उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, थर्ड ध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, चौथी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।